मैक दोस्तों, बीस टेक में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज की भी टेक न्यूज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की भी टेक न्यूज में मैं लेटेस्ट अपकमिंग फोन्स के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी नए हो, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारा जो भी वीडियोज का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जो लोग हमारे वीडियोज को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर भी मारो यार, थोड़ा मेरा मोरल बूस्ट हो जाएगा इससे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोग ओप्पो की तरफ से निकल के आ रही, कल के टेक न्यूज मैंने आपको बताया था कि ओप्पो का F19 6 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हुआ था दोस्तों। तो उसकी प्राइस उस वक्त रिवील नहीं हुई थी, तो मैंने बोला था कि कल इस पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो ओप्पो F19 का जो 6GB 128GB वेरियंट है दोस्तों, वो इंडिया में 19,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है। और साथ में ये आपको दो कलर वेरियंट में देखने को मिलेगा, जिनमें आपको मिड नाइट ब्लू और प्रिज्म ब्लैक कलर का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, लॉन्च होने के बाद से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, तो काफी ज्यादा लोगों ने इसे परचेज भी किया। और साथ में यह 9 अप्रैल को सेल में भी जाने वाला है। तो कितने लोग इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। और ये भी बताना कि प्री बुकिंग में कितने लोगों ने इसे बुक किया है और कितने लोग इसे परचेज कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 और साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है और ट्रिपल कैमरा सेटअप भी है। तो काफी अच्छा डिवाइस तो है ही, तो कितने लोग परचेज कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। दोस्तों, अगली न्यूज YouTube के तरफ से निकल के आ रही है। YouTube अब एक नया अपडेट ले आया है दोस्तों, जिसका उन्होंने नाम दिया है VVR, जिसका मतलब होता है वायलेटिव व्यू डेट दोस्तों। और दोस्तों, यह YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइंस का एक पार्ट है दोस्तों। और इस अपडेट के थ्रू जो लोग भी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और साथ में हेट स्पीच अपने चैनल पर देते हैं दोस्तों, यह उसको ट्रैक करने वाला है दोस्तों। और साथ में YouTube के द्वारा जो भी इस तरह की वीडियोज होंगी, वह उनके कंटेंट रिव्यूअर्स को दी जाएगी, उनको भेजी जाएगी, और वो फाइंड आउट करके उन्हें YouTube के टीम बता सकेगी कि यह वीडियो कैसा है, उसमें हेट स्पीच दिया गया कि नहीं। अगर ऐसा वो करते हैं दोस्तों, तो यह उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। तो YouTube इस वीडियोज पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकता है और उनके वीडियोज को भी डिलीट कर सकता है। तो जो लोग भी अपने चैनल पर मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच देते हैं, वो थोड़ा सा आप सावधान होने की उनकी जरूरत है, क्योंकि YouTube अब इसको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल फॉलो कर रहा है। वैसे इस अपडेट को लेकर कितने ज्यादा लोग काफी खुश हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। और ये भी बताना कि मेरी तरह कितने लोग YouTube पर एज ए क्रिएटर काम करते हो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। दोस्तों, अगली न्यूज Redmi की तरफ से निकल के आ रही है। पिछले टेक न्यूज में मैंने आपको बताया था कि Redmi Note 10 सेल जो 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो उस समय यह फ्लैश सेल में था, तो काफी ज्यादा लोग इसे परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, अब Redmi ने अनाउंस कर दिया है कि जो उनका Redmi Note 10 है वो अब ओपन सेल में अवेलेबल हो गया है। तो आप लोग इसे कभी भी किसी समय जाकर इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। वैसे मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी जाकर परचेज कर सकते हैं। और जो लोग भी Redmi Note 10 लेना चाहते हैं, वो Amazon और Mi.com वेबसाइट के थ्रू इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। वैसे ओपन सेल में इसका 6GB 128GB वेरियंट है, जो 14,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, वही अवेलेबल है। तो कितने लोग इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। और ये भी बताना कि Note 10 कितने लोग परचेज कर रहे हो दोस्तों, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। और वैसे जो इसका Note 10 Pro है और Note 10 Pro Max, अब तक इसकी सेल अवेलेबल होने वाली है, अभी कुछ इसकी अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कुछ आती है मैं फिर से इस पर आपको अपडेट कर दूंगा, सो डोंट वरी। और अभी तक हमारा टेक न्यूज आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज यार लाइक शेयर मार देना, और नए हो तो चैनल को एकदम से सब्सक्राइब करी के जाना। दोस्तों, अगली न्यूज ओप्पो की तरफ से निकल के आ रही है। पिछले काफी दिनों से ओप्पो रेनो 5Z को लेकर काफी ज्यादा न्यूज और खबरें आ रही थी दोस्तों, ये तो यह फाइनली सिंगापुर में लॉन्च हो गया है। और जो इसकी प्राइस है वो है अराउंड 29,000 के आसपास सिंगापुर में रखी गई है। और बात की जाए कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो इस फोन में आपको 6.43 इंच का एमोलेड पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और साथ में प्रोसेसर की तरफ आपको डायमंड सिटी का 800 चिपसेट देखने को भी मिलने वाला है दोस्तों। और बात की जाए कैमरा की, तो क्योंकि यार ओप्पो रेनो 5 कैमरा सेंट्रिक फोन होता है, तो इसमें भी 5Z में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है दोस्तों। और दोस्तों, ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगा, अभी इसकी कुछ अपडेट नहीं आई है, लेकिन इंडिया में यह वही 32-35,000 के प्राइस रेंज में देखने को आपको मिल सकता है। और आप लोग जानते हैं कि ओप्पो रेनो 5 एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, तो इंडिया में ज्यादा लोग इसे परचेज भी करेंगे। वैसे कितने लोग ओप्पो का रेनो यूज करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना।
और इस फोन के लिए कितने ज्यादा लोग एक्साइटेड हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके। दोस्तों अगली न्यूज वीवो की तरफ से निकल के आ रही वीवो नेक्स 5 की। दोस्तों अब कुछ रूमर्ड स्पेसिफिकेशन और उसकी रेंडर इमेज बाहर आ गई है। दोस्तों वीवो का जो नेक्स 5 है रूमर ये है कि इसमें आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ में आपको स्क्रीन के तौर पर इसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और साथ में दोस्तों इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। और खबर ये भी है दोस्तों कि यह जो फोन है वीवो नेक्स 5 इसमें आपको IP68 का सर्टिफिकेट देखने को मिल सकता है, मतलब यह फोन डस्ट और वाटर प्रूफ भी होने वाला है। तो दोस्तों काफी ज्यादा फीचरेबल होने वाला है, लेकिन इसे आप अभी रूमर ही लेना तो टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट लेना दोस्तों। तो जैसे ही कुछ बाकी की डिटेल्स इसकी आती है मैं फिर से इस पर आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे ऑन द पेपर और रूमर से पता लग रहा है कि यह फोन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है, तो काफी ज्यादा लोग इसे परचेज भी करेंगे। और दोस्तों यह आपको वही हायर फ्लैगशिप रेंज में वीवो इसको अवेलेबल करा सकता है, तो अब देखना यह रहेगा कि किस प्राइस सेगमेंट में वीवो इसको लॉन्च करता है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आती है फिर बात करते हैं इसकी। तो आज का टेक न्यूज बस इतना ही। तो जिन लोगों को यह टेक न्यूज अच्छा लगा प्लीज यार लाइक शेयर मार देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, जो लोग भी नए हैं जो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं वीडियोज वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा नया क्रिएटर हूँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर ही के जाओ। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना कि टेक न्यूज के अलावा और किस तरह के वीडियोज आपको अच्छी लगती है, मैं वैसे वीडियोज भी बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए